तो भाई लोग अभी अभी एक गुड न्यूज निकल के आ रहा है जो कि यहाँ पर फ्री फायर इंडिया हमें काफी जल्दी यहाँ पर रिटर्न दिखने वाला है। और ये मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब मन किया चलो बोल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफी जल्दी जो है यहाँ पर हमें फ्री फायर इंडिया काफी जल्दी दिखने वाला है, वो भी प्ले स्टोर के अंदर। देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर अवॉइड कर रहे हो फ्री फायर इंडिया कब आएगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अवॉइड कर रहे फ्री फायर इंडिया कब आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्री फायर वालों ने भी सोच रहा है कि काफी जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर गेम को लॉन्च किया जाए, फ्री फायर इंडिया को इंडिया के अंदर ही लॉन्च किया जाए। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ही लॉन्च होगा ना। और अगर इस तरीके से भी देखा जाए कि काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर भी जो है आज की डेट पे फ्री फायर को छोड़ के दूसरे गेम पे शिफ्ट हो रहा है। जो भी सारे यूट्यूबर जो है फ्री फायर की दम पे इतना आगे तक गया है, वो सारे बंदे भी यहाँ पर आज की डेट पे फ्री फायर को मतलब डिसलाइक करके दूसरे गेम पे स्विच हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम भी यहाँ पर फ्री फायर वालों को तो मतलब समझ में तो आ ही रहा है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ था, देखो गेम तो आज तक मतलब एक साल यहाँ पर इंडिया के अंदर चलने वाला था, बट यहाँ पर बीच में प्रॉब्लम क्या आ गया कि यहाँ पर सर्वर का इशू बोल के दो तीन वीक के लिए गया, फिर तो आया ही नहीं अभी तक। और ये जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूँ कि ये आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुआ था, किस लिए ऐसा कुछ हो गया। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ओएटा में जो डाटा सेंटर क्रिएट किया जा रहा था, अगर तुम लोगों को डाटा सेंटर के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर हर एक गेम जो भी यहाँ पर बैटल रॉयल, ऑब्वियसली बैटल रॉयल गेम के अंदर एक ऑब्वियसली डाटा सेंटर होता है। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की अभी जो रूल है, यहाँ पर जो भी गेम इंडिया में प्ले करना है उसका डाटा सेंटर इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। देखो यहाँ पर तुम जो आईडी बनाते हो, लाइक तुम यहाँ पर जीमेल से आईडी बना रहे हो, फेसबुक से आईडी बना रहे हो, उसमें जो भी डाटा होता है वो फ्री फायर के पास रहता है। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है, तुम लोगों को जो भी करना है यहाँ पर इंडिया के अंदर ही बैठ के करना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था कि पहले ओएटा में इसका डाटा सेंटर क्रिएट किया था, और उसके बाद शायद से डाटा सेंटर कुछ कैपेबल नहीं था इंडियन प्लेयर के लिए। जैसे ही यहाँ पर फ्री फायर इंडिया को प्ले स्टोर के अंदर लॉन्च करने के लिए यहाँ पर प्री रजिस्टर वगैरह का ऑप्शन दे दिया गया था, उसके बाद एक ही रात में मतलब रातों रात इतना ज्यादा बंदे ने प्री रजिस्टर कर लिया कि यहाँ पर सर्वर उसी जगह पे बैठ के रह गया। मतलब उसको चलाने के लिए गेम चलने से पहले यहाँ पर सर्वर जो है क्रैश हो जा रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, फ्री फायर वालों को लगा कि यहाँ पर अगर गेम को अभी लॉन्च कर दिया जाए तो लॉन्च होने के साथ ही साथ एक मार्केट में काफी ज्यादा बैड न्यूज फैलेगा, मतलब काफी ज्यादा बैड इफेक्ट है क्या आ जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि चलो एक दो हफ्ते के अंदर इसको सही करके या पर रिप्लेस करके या पर रीलॉन्च कर देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आया जब इन लोगों को समझ में आया कि इंडियन प्लेयर की जो दम है, इंडियन प्लेयर की जो कम्युनिटी है, इसमें इतना ज्यादा ताकत है कि भाई इतने छोटा डाटा सेंटर में कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि डाटा सेंटर को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर नवी मुंबई पे जो है यहाँ पर नया तरीके से डाटा सेंटर को क्रिएट किया। और ऑब्वियसली इसलिए जो है काफी ज्यादा टाइम लग गया, और डाटा सेंटर क्रिएट करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन प्लेयर की इतनी ज्यादा डिमांड था कि मेरे ख्याल से और भी थोड़ा जल्दी किया जा सकता था। बट कोई ना, चलो यहाँ पर गेम तो अभी शायद आने वाला है, और ये अभी शायद नहीं, यहाँ पर अभी आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो न्यूज निकल के आ रहा है, यहाँ पर डाटा सेंटर जो नया तरीके से क्रिएट हो रहा था नवी मुंबई पे, वो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर वो फुल्ली 100% कंप्लीट हो चुका है, बट उसका कुछ रीलॉन्च करने के जो इवेंट वगैरह होगा बाकी। तो यहाँ पर डाटा सेंटर 100% कंप्लीट हो चुका है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो लग रहा है कि यहाँ पर गेम भी काफी जल्दी जो है हमें यहाँ पर फिर से प्ले स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद क्या ही बोले, सीधा डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर दो, क्या क्या है क्या क्या नहीं, मतलब हर एक बंदे के मन में तो क्यूरियोसिटी जगाई हुआ है कि भाई क्या होने वाला है, क्या ऐसा होगा। तो देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन भी दे देता हूँ, फ्री फायर इंडिया मतलब कुछ अलग ही नहीं होगा, उसके अंदर इंडिया का मैप वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंडिया का एक ही लेजेंड उसमें देखने के लिए मिलेगा जो कि MS धोनी सर, उनका एक करेक्टर आएगा। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया के फ्लैग वगैरह इतना सारा ही देखने के लिए मिलेगा जो कि तुम्हें लॉबी के अंदर बेसिकली देखने के लिए मिलेगा, बट गेम वही रहेगा, आईडी सेम रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बट यहाँ पर तुम्हारा जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऐप चेंज हो रहा है, ऐप चेंज हो रहा है, और उसमें जो भी डाटा होगा वो इंडिया के अंदर ही रहेगा। ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात भी है, पहले क्या होता था कि यहाँ पर डाटा कहाँ कहाँ जा रहा था मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अभी जो है जो भी कुछ होगा यहाँ पर इंडिया के अंदर ही होगा। फिलहाल अभी तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की यही रूल है कि तुम्हें जो भी करना है जैसा भी करना है इंडिया के अंदर ही करो। तो गाइस यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी जल्दी जो है यहाँ पर गेम की जो नया लॉन्च की जो इवेंट वगैरह होगा वो भी काफी जल्दी से जो है यहाँ पर शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि
यहाँ पर किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगता है कि यहाँ पर फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने का इवेंट वगैरह शूटिंग स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े बंदे लोग यहाँ पर पटना प्रोग्राम पे है उन लोगों को तो पता चल ही जाता है, क्योंकि वो लोग खुद जाता है यहाँ पर इवेंट वगैरह शूट कराने के लिए। लेकिन उन लोगों को जो है यहाँ पर ऊपर से सीधा बंद करके रखता है कि किसी को भी बताना नहीं है जब तक यहाँ पर लॉन्च नहीं होता है, या फिर जब तक यहाँ पर फ्री फायर इंडिया की जो ऑफिशियल पेज है या फिर ऑफिशियल जो इंस्टा अकाउंट है उसमें कोई भी पोस्ट नहीं किया जाता है, उससे पहले तुम लोग कहीं भी नहीं बता सकते। तो गाइस आई होप यहाँ पर काफी जल्दी जो है फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने का जो इवेंट वगैरह है उसमें फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, और ऑब्वियसली ये काफी जल्दी हमें देखने के लिए भी मिल जाएगा। आई होप यहाँ पर दिसंबर के अंदर ही गेम आ जाए या फिर जनवरी तक भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले तो आना ही चाहिए 2025 की जनवरी मंथ के अंदर तो गेम आना ही चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मेरे को जितना पता चला था उसी के हिसाब से मैं तुम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा चीजें जो है बता दिया। आगे यहाँ पर गरीना वीडियो को क्या करेगा पता नहीं, बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन को ऑल पे सेट करके रखना मत भूलना, क्योंकि मेरे को जैसे ही आगे कुछ न्यूज पता चलता है तो इसी चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन को ऑल पे सेट करके जरूर रखना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।